गुड मॉर्निंग मोटा भाई, केम छो? मजामा मोटा भाई, वेरी गुड। आपको तो पता ही है कि बैंक निफ्टी आज हिंदी मीडिया में कोई आया था और वो बोल रहा था कि बैंक निफ्टी 30,500 पे जा सकती है। हो सकता है 30,500 नहीं, 40,500 पे भी जा सकती है। मोटा भाई घबराना नहीं है, हमें पता है हमें बैंक निफ्टी कैसे हैच करनी है, तो आप चिंता ना करो मोटा भाई, उसकी फिक्र मत करो। लेकिन यहाँ मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात नहीं करने आया, यहाँ मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने आया हूँ। अक्टूबर के एंड में मैं काफ़ी वरी था कि यार इंडियन बैंक्स में काफ़ी मूवमेंट हो रही है और ये मूवमेंट बेस बेसिकली फंडामेंटल से बहुत दूर है। अब इसका सोर्स क्या है इस मूवमेंट का, कि कैसे पता लगाया जाए कि कम मूवमेंट होगी और कम मूवमेंट नहीं होगी? मैं बड़ी चिंतन में था, सोच रहा था, करते करते सोच रहा था, तो मेरे ध्यान में आया कि इंडिया में कौन है जो बैंक निफ्टी में पैसा लगा सकता है? या तो रिटेल इन्वेस्टर हैं, या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, या म्यूचुअल फंड्स हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का तो आपको पता ही है, रिटेल इन्वेस्टर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो समझ गए, तो बचे म्यूचुअल फंड्स। इस पे भी मैं विचार कर ही रहा था कि अब हम कैसे करें कैसे करें कैसे करें, क्योंकि ना अब मैं एक ऐसी रिसर्च डेस्क क्रिएट करने जा रहा हूँ जिससे कि हम बैंक निफ्टी में होने वाली मूवमेंट को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेंगे, या अगर प्रिडिक्ट नहीं भी कर पाए तो कम से कम हम इतना जानते होंगे कि ये मूवमेंट कहाँ तक पहुँचेगी। तो मैं इस सोच में था कि मैंने अपने स्टडी रूम में एक मैगजीन देखी। वैसे मैगजीन पहले भी आती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर जब मैंने इस मैगजीन को दूसरे एंगल से देखा तो मुझे पता चला यार इस मैगजीन में तो काफी डेटा जो है वो आता है। और हम मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बैल दलाल स्ट्रीट का, जिसकी वजह से ये संभव हो पाया। तो मैंने दलाल स्ट्रीट इमीडिएटली डिटेल्ड में रीड करनी शुरू करी। टाइम कम होता है लेकिन जब कुछ करना है तो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। तो उसमें मुझे काफी डेटा मिला म्यूचुअल फंड्स का। फिर ये था हमारा स्टेप वन। फिर हमने स्टेप टू में मूव किया। एंड व्हाट इज स्टेप टू? हमने टॉप म्यूचुअल फंड्स निकाले जो बैंक और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी डन हो गया। अब आपको तो पता ही है मोटा भाई कि ट्रेजरी कंसल्टिंग LLP इंडिया के टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है, टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स में। हम दूसरी कंपनीज की तरह नहीं है जो वेंचर कैपिटलिस्ट को बोलते हैं सर पैसा दे दो सर पैसा दे दो, हम बोलते हैं हमें नहीं चाहिए। उल्टा वो हमारे पास आके बोलते हैं कि सर पैसा ले लो, और हम फिर भी नहीं लेते। और अगर मैं आपको बताऊं कि ट्रेजरी कंसल्टिंग LLP जो इंडियन एंटिटी है उसकी, अगर उसकी IPO जब 2021 में आ रही है, उसका आपको अमाउंट बताऊं हम कितना रेस करेंगे, तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे। मैं आपको बताऊंगा। तो हमने सारे म्यूचुअल फंड्स को कांटेक्ट किया। ट्रेजरी कंसल्टिंग के लिए किसी म्यूचुअल फंड के रिलेशनशिप मैनेजर तक पहुंचना उतनी ही देर की बात है जितनी देर में मेरे को अपने एप्पल का फोन ओपन करके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाना पड़े, बस इससे ज्यादा देर की बात नहीं होती।
और हमने सारा डेटा कोलेक्ट करवाया और जो निकल के सामने आया उससे 2 दिन से नींद नहीं आ रही। आज शायद आ जाएगी। और ये हमारे रिसर्च का फेज 1 है जिसे मैं खुद लीड कर रहा हूं। आपको तो पता ही है कि हमारी रिसर्च कितनी अच्छी है। सॉफ्ट बैंक की प्रडिक्शन, येस बैंक की प्रडिक्शन, इंडसइंड बैंक को चैलेंज, HDFC बैंक को चैलेंज, EY को चैलेंज और भी दुनिया भर के चैलेंज, राइट? वोडाफोन, रिलायंस 2000 और क्या क्या। ट्रेजरी कंसल्टिंग बहुत खुशी से अपने मेंबर्स को ये अनाउंस बहुत जल्दी करेगी कि अब हमने बैंक निफ्टी में मूवमेंट का एक अच्छा खासा सोर्स, एथिकल सोर्स टैप किया है। अब हम अपने रिसर्च डेस्क में एक और मेंबर को हायर करके मंथ ऑन मंथ बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू करेंगे। एग्जाम्पल कि एक्स म्यूचुअल फंड का नवंबर एंड में इस बैंक निफ्टी के टोटल 12 स्टॉक्स में इतना एक्सपोजर था, अब कितना है? एज्यूमिंग जनवरी 21 में कितना हो गया? 100। इससे अगर हम बैंक निफ्टी को 100% प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे तो 80% से ज्यादा प्रिडिक्ट करेंगे। और ये काम अब हमने ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। ट्रेजरी कंसल्टिंग धन्यवाद करती है डलाल स्ट्रीट का, जिनके रिसर्च डेटा के कारण हमारा आधा काम कम हो गया, क्योंकि वो रेडीमेड डेटा हमें मिला और हमने सिर्फ उस डेटा को अपने फॉर्मेट में ला के एनालाइज करके अपने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू उनसे और डेटा मंगवा के उसको टैली करके तुरंत हमने उस पर एक एक्शन लिया। मोटा भाई अभी एक बात होता नहीं है, ट्रेजरी कंसल्टिंग ना ही सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी के डेटा को चेक करेगी वर्सेस हम इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो भी पब्लिक डोमेन में डेटा अवेलेबल होता है उसको भी एक बार आप देखना शुरू करेंगे कि वो किस किस बैंक में कौन कौन सी पोजीशंस लेते हैं। ये जो इस बार बैंक निफ्टी में मूवमेंट हुई है, ऑल ऑफ अ सडन 24,000 से सीधे 30,000, और आई कॉल दिस एज अनरैशनल मूवमेंट। इसके पीछे कोई रैशनल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। आई रियली डोंट नो, आज जब लक्ष्मी विलास, आज जब मार्केट ओपन हुई तो मैं पूरे उम्मीद कर रहा था कि लक्ष्मी विलास बैंक का एक मेजर इश्यू रेज होगा, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन आपने एक मॉरेटोरियम सर्कुलर लॉन्च कर दिया और उसमें आपने एक पेज पे मेंशन कर दिया कि वो शेयर्स सीज टू एग्जिस्ट हैं। एक मिनट, मेरी एक न्यूज आई है मेरे ब्लूमबर्ग टर्मिनल पे, पहले मैं इसको सेव कर लूँ ताकि ये निकल ना जाए। यस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बैंक निफ्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लक्ष्मी विलास बैंक का इश्यू है। मेरे हिसाब से तो अगर लक्ष्मी विलास बैंक में और भी कुछ हो जाता तो भी शायद बैंक निफ्टी ऊपर ही जाता। आइंस्टीन एक महान साइंटिस्ट अपने टाइम के, इनफैक्ट आज के भी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, इफ यू फॉल वंस इन अ ट्रैप यू आर अ ह्यूमन बींग, इफ यू फॉल सेकेंड इन द सेम ट्रैप यू आर एन इडियट। और मैं आइंस्टीन साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें, हम यंग जनरेशन को
इतनी अच्छी सोच और विचार दिए, तभी मेरे ऑफिस में ऐसी महान लोगों की तस्वीरें होती हैं। एज सिंपल एज दैट। और बहुत जल्दी इनमें एक एडिशन होने वाला है, एंड आई कॉल हिम सर जेफ बिकॉज द फाउंडर ऑफ अमेजॉन। आई हैव पुट इट सर एज अ रिस्पेक्ट बिकॉज ही रियली डिजर्व इट। तो इस बार तो बैंक निफ्टी ने हमें सरप्राइज कर दिया। कोई बात नहीं, क्रिकेट मैच में भी होता है, कभी कभी बॉलर का दिन होता है, कभी बैट्समैन का दिन होता है, लेकिन ट्रेजरी कंसल्टिंग को नुकसान नहीं हुआ। और आपको तो पता ही है कि एफ कर्व के दो पार्ट होते हैं, समझ गए? यहां तक तो मैं बैंक निफ्टी के साथ था, यहां पे मैंने थोड़ा मिस कर दिया, लेकिन यहां से यहां तक का सफर मैं मिस नहीं करूंगा। तो टेस्ट मैच के फर्स्ट सेशन के 5-6 आवर या 10 आवर हमें हमसे मिस हो गए, लेकिन टेस्ट मैच अभी ट्रेजी कंसल्टिंग इस रिसर्च को आप बहुत सीरियस लेने वाली है, और हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स में बैंक होल्डिंग्स को इवैल्यूएट करके ये देखेंगे कि ये ऊपर हो रही है या नीचे हो रही है या क्या पोजीशन है। मोर इंपॉर्टेंटली, इस प्रोजेक्ट के बाद हम इसके सेकंड फेज को लॉन्च करेंगे, जिसमें हम एफआई के डेटा को ट्रैक करेंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि दिसंबर के एंड तक हम इस पोजीशन में होंगे कि हम बैंक निफ्टी को अगर 100% नहीं तो 80% से ज्यादा प्रिडिक्ट कर पाएंगे इसकी मूवमेंट को। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लक्ष्मी विलास बैंक के डिबैकल का कोई वैल्यूएशन नहीं है, पीएमसी बैंक का भी कोई वैल्यूएशन नहीं है, किसी चीज की कोई वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन अननेसेसरीली दिस ट्रेजरी कंसल्टिंग धन्यवाद करना चाहेगी कुछ महान लोगों का, जिन्होंने बैंक निफ्टी को 24,000 से 29,000 तक पहुंचाया विदाउट एनी बेसिस। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो हमें ये रिसर्च करने का मौका नहीं मिलता, और वो भी परमानेंटली। हम धन्यवाद करना चाहेंगे दलाल स्ट्रीट मैगजीन का, जिनके कारण हमें डेटा मिला। वी थैंक यू दलाल स्ट्रीट फॉर प्रोवाइडिंग अस द डेटा। ट्रेजरी कंसल्टिंग कभी भी किसी का क्रेडिट नहीं रखती। अगर वो बैंक्स को चैलेंज करती है, तो अगर वो किसी से हेल्प लेती है, तो उसको प्रॉपर क्रेडिट देती है। दैट इज, अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं तो रिस्पेक्ट भी करते हैं। वी रिस्पेक्ट दलाल स्ट्रीट वेरी वेल। वी थैंक यू दलाल स्ट्रीट फॉर प्रोवाइडिंग अस द डेटा। वॉट अ बाई। अगले साल हम लोग आपको बताएंगे क्या कि इस मंथ के एंड में इस म्यूचुअल फंड ने इस बैंक में इतने परसेंट स्टेक ली थी, और पिछले 3 महीने में ये स्टेक ऊपर हुई या नीचे हुई। समझ गए मोटा भाई? ये बात कॉन्फिडेंशियल है, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? ऑपरेटर्स समझ गए? दिस इज राहुल फ्रॉम ट्रेजरी कंसल्टिंग। यू नो आवर व्हाट्सएप 9818485155। स्टीव द बेस्ट आइडल फॉर मी सेड वंस इन हिज लाइफ, एंड आई थिंक दैट इंसिडेंट हैपन्ड ड्यूरिंग द मैकिंटॉश क्रिएशन, व्हेन मैकिंटॉश वन वॉज अंडर डेवलपमेंट। आई थिंक इट्स 1984 1985 व्हेन वन ऑफ द मेजर इश्यूज केम इन मैकिंटॉश, एंड स्टीव जस्ट रिजॉल्व इट लाइक दैट वॉज स्टीव। स्टीव सेड दैट इश्यूज कम इन डिजाइनिंग, इश्यूज कम व्हाइल यू मेक अ टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, but as a designer, as a constructor, you need to understand that you're not
यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू रिजॉल्व दिस इश्यू ऑफ कोर्स, प्लस यू नीड टू मेक श्योर यू लर्न फ्रॉम दिस इश्यू सो दैट इन फ्यूचर यू मेक अ मोर बेटर प्रोडक्ट. एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन वाई स्टीव क्रिएटेड वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज ऑफ द ग्लोब, एप्पल. एंड आई थैंक स्टीव फॉर दैट. ट्रेजरी कंसल्टिंग लर्नड फ्रॉम वट इज गोइंग ऑन इन द बैंक निफ्टी. एंड आई थिंक वी ऑलमोस्ट रीच्ड टू द रूट कॉज. ऑफकोर्स 50% जनरली इज डन, 50% आई थिंक 75% इज डन, 25% इज स्पेंडिंग एंड रेस्ट आई डू माई सेल्फ एंड आई एम लीडिंग दिस टाइम दैट रिसर्च. लेट यू नो, हैव अ ग्रेट टाइम मोटा भाई. आप तब तक रेस्ट करो, मैं अपना म्यूजिक सुन के थोड़ा रिलैक्स करता हूँ. 2 दिन से नींद नहीं आई. अलेक्सा प्ले माई हार्ट विल गो ऑन. Yes, my heart will go on. Love Have a good time. By Celine Dion.